गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुलदीप दिवाकर, आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम सिक्स क्लास की जो साइंस की बुक है उसको डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं। और हमने दोस्तों पिछले वीडियो में पहला चैप्टर पढ़ा था कि हमारा भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। और दोस्तों इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम जो भोजन खाते हैं उनमें क्या क्या कच्ची सामग्रियां होती है, और कच्ची सामग्रियों में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, और पोषक तत्वों में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल, रुक्षांश, ये सब होते हैं, तो इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा कि हमें खाना कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे पौधों और जंतुओं से प्राप्त होता है। पौधों से हमें फल, सब्जियाँ ये मिलती हैं, जंतुओं से हमें दूध, मांस आदि चीज़ें मिलती हैं। इसी तरीके से हमने तीन कैटेगरी पढ़ी थी जंतुओं की, जो जैसे शाकाहारी जो केवल घास और चारा खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, और सर्वाहारी जो मांस भी खाते हैं और चारा भी खाते हैं। तो इस तरीके से हमने तीन कैटेगरी, तीन प्रकार के जंतुओं के बारे में पढ़ा। तो आज हम भोजन के घटक पढ़ेंगे, यानी जो भोजन में हम कच्ची सामग्री यूज़ में लेते हैं बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, उसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो हमने अध्याय एक में ये सब देख लिया, अब हम ये देखेंगे कि हम जब खाना खाते हैं तो हम कोई ना कोई चीज़ खाने में लेते हैं। जैसे हम रोटी खाते हैं, रोटी के साथ सब्जी लेते हैं, दाल लेते हैं, तो रोटी आटे से बनी हुई होती है, दाल से बनी हुई होती है, मिर्च मसाले होते हैं। तो हर जो खाद्य सामग्री होती है वो कुछ कच्ची सामग्री से बनी हुई होती है, और ये कच्ची सामग्री में कुछ घटक होते हैं, संघटक होते हैं, जिनको हम पोषक तत्व बोलते हैं। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं वो हमें हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, हमें खाना पचाने में सहायक होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये जो पोषक तत्व तो जो हमें प्राप्त होते हैं खाने से, उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आदि शामिल हैं। तो जो पोषक तत्व तो हमें मिलते हैं खाने में वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और इसके अलावा भी हमें कुछ रुक्षांश और जल भी आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए, तो ये हम स्टडी करेंगे। तो क्या सभी खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? जी नहीं, हर खाद्य सामग्री में कुछ में प्रोटीन उपस्थित होता है, तो कुछ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, कुछ में वसा उपस्थित होता है। तो हर खाद्य पदार्थ के अलग अलग नेचर होती है जिनसे हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो हम इसके लिए परीक्षण के लिए क्या करेंगे, हम एक आयोडीन का सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन लेंगे। तो हम आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनाएं? हम जल से भरी आधी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिलाएंगे तो हमें आयोडीन का तनु विलयन प्राप्त हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का अगर विलयन बनाना चाहें तो 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से ये बन जाता है, तथा 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा का डाल दें तो कास्टिक सोडे का विलयन बन जाता है। तो चलिए हम देखेंगे कि किसी भी खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं, वसा उपस्थित है या नहीं, विटामिन उपस्थित है या नहीं, खनिज लवण उपस्थित है या नहीं, ये कैसे जाने? तो इन जो हमने विलयन बनाए हैं, तीन विलयन बनाए हैं, एक आयोडीन का विलयन है, एक कॉपर सल्फेट का विलयन है और एक कास्टिक सोडा का विलयन है, इनका प्रयोग करते हुए हम ये देखेंगे कि कौन सा खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है। तो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट मुख्य तौर पर मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। तो अब किसी खाद्य पदार्थ में मंड है या नहीं इसका हम परीक्षण करेंगे। तो इसका परीक्षण के लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हम मंड का परीक्षण कैसा करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और इसको लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता पड़ सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।